Hey guys, welcome back to my channel. This is Piyasi and आज का जो वीडियो है वो बहुत ही हटके है बिकॉज मैं पहली बार अपना वैनिटी टूर कराने वाली हूँ. या इट मे साउंड वेरी फैंसी दैट शी इज गोइंग टू डू अ वैनिटी टूर सेलिब्रिटीज और यू नो दूसरे बड़े ब्लॉगर्स की तरह मेरे पास बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स स्किन केयर प्रोडक्ट्स होंगे बट होल्ड ऑन ऐसा कुछ भी नहीं है. मेरे पास एक सिंपल वैनिटी है. मेरे पास हाँ यू नो एज अ गर्ल आई लाइक मेकअप आई लाइक स्किन केयर तो मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मैं खरीदती रहती हूँ जो मुझे इंटरेस्टिंग लगे. बट दैट डजंट मीन कि मैं यू नो ऐसे प्रोडक्ट्स भी ले लेती हूँ जो विच आर न्यू इन मार्केट एंड जस्ट बिकॉज मुझे खरीदना मैं खरीदती हूँ ऐसा नहीं करती हूँ. मैं साल में एक बार यू नो स्प्लर्ज करती हूँ और फुल ऑन करती हूँ. लाइक 40,000 50,000 जब कोई बड़ा सेल चल रहा हो मैं सब खरीद लेती हूँ और फिर मैं पूरे साल उन प्रोडक्ट्स को एंजॉय करती हूँ धीरे धीरे. सो दैट इज़ मी दैट इज़ हाउ आई बाई प्रोडक्ट्स. और ऐसा कुछ प्रोडक्ट्स जो जेन्युइनली बहुत इंटरेस्टिंग लगे जैसे कि कोई डॉट एंड की के नए प्रोडक्ट्स आते हैं तो मैं ज़रूर खरीदती हूँ बिकॉज देर आर सर्टन ब्रांड्स विच आई कैन ट्रस्ट ब्लाइंडली. सो इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट ऑल आई हैव इन माई वैनिटी. मैंने वैनिटी कैसे बनाया हुआ है. मेरे पास कोई आइडियल वैनिटी नहीं है यू नो द डेस्क एंड द मिरर एंड ऑल दैट बिकॉज मैं इतनी बड़ी ब्लॉगर अभी हूँ नहीं वैसे और मैं बनने की कोशिश कर रही हूँ बट अभी मैं हूँ नहीं. तो अगर आपको पता नहीं है तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो मुझे कर सकते हैं. वहाँ पे मैं थोड़े बहुत वीडियोस डालती रहती हूँ रील्स डालती हूँ और पोस्ट भी डालती हूँ तो यू कैन फॉलो मी ओवर देयर. एंड फॉर टुडेज़ वीडियो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आई विल शो यू व्हाट ऑल प्रोडक्ट्स आई हैव. अभी मैं खड़ी हूँ अपने बेडरूम में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बड़ा सा वार्डरोब है. एक साइड मिरर है दूसरे साइड प्लेन है. तो ये वार्डरोब स्पेसिफिकली हमने इसलिए किया था बिकॉज हमको बहुत ज़्यादा कपड़े बेडरूम में नहीं रखने थे बिकॉज वी हैव अ वॉक इन वार्डरोब. तो जितने भी सारे यू नो क्लोथ्स वगैरह है सब कुछ है वो हमने वॉक इन वार्डरोब में रखा है. यहाँ पे मैंने क्या किया है इस पर्टिकुलर वार्डरोब को मैंने यूटिलाइज किया है एज अ वैनिटी. मैं आपको दिखाऊंगी कैसे. तो इस तरफ का जो है वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी बिकॉज यहाँ पे मेरे थोड़े एसेंशियल्स और थोड़े से पर्सनल आइटम्स है. तो ये वाला यू नो स्टैक्ड है. सो ये वाला साइड जो आप देख रहे हैं ये है वैनिटी जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ विच इज टेंटना. सो गाइज दिस इज माई वैनिटी और मैं आपको क्लोजअप से दिखाऊंगी कैसे दिख रहा है. So guys, this is how my wardrobe looks like. एक साइड मेरा पर्सनल आइटम है दूसरे साइड आप देख सकते हैं फुल कन्वर्टेड इंटू मेकअप एंड स्किन केयर. तो यही है मेरा वैनिटी. तो होता क्या है बेसिकली इस तरफ मिरर है और इस तरफ जो है मैंने अपना ये वैनिटी बनाया हुआ है. तो मैं जैसे ही इसको ओपन करती हूँ और यहाँ पे खड़े होके अपना मेकअप करती हूँ तो इट बिकम्स रियली रियली ईजी. यहाँ से पिक किया और यहाँ पे मेकअप किया. तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे क्या स्टोर किया है. तो आप अभी अगर देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा ओ माय गॉड इतने सारे प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा यू नो इस तरह से रखे हुए हैं तो आप आइडेंटिफाई कैसे करते हो कि कौन सा क्या है एंड वगैरह वगैरह राइट. तो मैं आपकी कन्फ्यूजन्स क्लियर करती हूँ. सो विल स्टार्ट विद दिस वन. तो ये जो है अभी कुछ ईयरिंग्स यहाँ पे मिसिंग है बिकॉज मैं कभी कभी निकाल के उसको डालना भूल जाती हूँ. बट दिस पर्टिकुलर थिंग आई हैव गॉट इट फ्रॉम अमेजोन और ये बहुत ही हेल्पफुल लगा मुझे बिकॉज मैं अपने चेन्स जो है इस तरह से सेग्रीगेट करके यहाँ पे लगा सकती हूँ. ईयरिंग्स जो है मैं सेग्रीगेट करके लगा सकती हूँ और ये सारे मेरे वेस्टर्न ईयरिंग्स हैं जो इंडियन है यहाँ पे है इस वाले बॉक्स में विच इज़ अगेन फ्रॉम अमेजोन. बहुत ही हेल्पफुल रहता है इसको मैंने सेग्रीगेट करके यू नो बिकॉज इसमें कंपार्टमेंट्स है बहुत ही हेल्पफुल रहता है. तो इसमें मैंने रखे हुए हैं नीचे क्योंकि इंडियन ओकेजनली ही मैं पहनती हूँ बहुत ज़्यादा नहीं पहनती हूँ तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ. बाकी के जो भी नॉर्मल यूज़ करने वाले हैं आई हैव पुट इट ओवर हियर. और दूसरा है ये विच इज़ लाइक है बैंड जो कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ रेगुलर इनफैक्ट. तो मेरे पास ये दो हेयर बिन्स है जब भी मेकअप करना रहता है कुछ करना रहता है यूज़ देम. ऑल्सो दिस वन सेम. नाउ कमिंग टू दिस
पर्टिकुलर क्यूट लिटिल स्टोरेज बिन और बास्केट जो भी आप बोले, इसमें मैंने ये, अगर आपने मेरा चुंबक हॉल देखा है तो आपको पता होगा कि ये मैंने चुंबक हॉल चुंबक से लिया है और ये इसको मैंने यूटिलाइज़ किया है एक बास्केट में, जहाँ पे मैं सारा अपना हेयर बैंड्स, हेयर क्लिप्स और सब कुछ मैं स्टोर करके एक साथ रखती हूँ। तो ये मेरा स्टोरेज बास्केट टाइप्स हो गया। ओके, दिस लुक्स रियली क्यूट और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप बाकी के बॉक्सेस देखें, लाइक दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये सारा रीपर्पज किया हुआ है मैंने। मैंने ये कुछ भी नहीं खरीदा है ओरिजिनली, बिकॉज मुझे ऑब्वियसली पसंद नहीं है कि बहुत सारे बॉक्सेस रखें। जब हमको प्रोडक्ट्स हम लेके आते हैं उसमें से अच्छे अच्छे अगर हार्ड बॉक्सेस मिल जाते हैं तो व्हाई नॉट यूटिलाइज देम रादर देन बाइंग। अगर वो कम पड़ता है देन आई गो फॉर दिस वन। दीज आर द प्लास्टिक वंस विच यू गेट, यू नो, अमेजोन में मिल जाता है या कहीं पे भी आप जाओ बहुत ही ईजिली अवेलेबल रहता है। तो आई स्टार्ट विद दिस वन। तो अगर आप देखें तो मैंने सारे प्रोडक्ट्स को एक बॉक्स में कैटेगराइज करके रखा हुआ है, मैंने ऐसे ही हेवा नहीं रखा है, बिकॉज आई, यू नो, व्हेन आई वांट टू डू मेकअप और स्किन केयर आई नो कि कौन से बॉक्स में हाथ डालना है, तो इस वजह से मैंने उसको सेग्रीगेट किया हुआ है। तो ये वाला बॉक्स अगर आप देखें, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर टोनर्स, यहाँ पे हाई एंड से लेकर यू नो अफोर्डेबल पिक्सी ब्यूटी विच इज़ ओवर नाउ। तो ये सारे जो टोनर्स हैं वो एक ही बॉक्स में जाते हैं। देन आई हैव स्किन केयर ओवर हियर। तो यहाँ पे जितने भी मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे है ये वाला सारा परफ्यूम, डियोस एंड एवरीथिंग। दिस इज माई मोस्ट फेवरेट, जो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था, ये है कैसियो का और ये बहुत ही अमेजिंग फ्रेगरेंस है इसका और मैं इसको बहुत संभाल के रखती हूँ। मुझे पता नहीं लेकिन मैं ऐसी हूँ कि मुझे अगर कोई चीज़ ज़्यादा पसंद है ना मैं उसको कम यूज़ करती हूँ। आई डोंट नो इफ़ यू गाइज आर ऑल्सो सेम। अगर आप लोग सेम हैं तो अभी के अभी कॉमेंट कीजिए। नाउ कमिंग बैक टू माई कंपार्टमेंट्स, यहाँ पे जो है डियो परफ्यूम हो गया, ये वाला जो सेक्शन है, जो ये वाला जो रेड बॉक्स दिख रहा है आपको, इसमें सारे मेकअप रिमूवर्स है और कुछ मेकअप रिमूवर्स यहाँ फिट नहीं हो पाए इसलिए मैंने बाहर भी रखा हुआ है। बायोडर्मा, देन आई यूज गार्नियर, ये सिंपल और भी यू नो बहुत सारे जो मेकअप रिमूवर्स है। ये वाला सेक्शन जो आप देख रहे हैं ये हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं। सो बेसिकली आई हैव लाइक इफ यू सी मोरक्कन हेयर ऑयल, यहाँ पे ये जो है जो मेरे को अभी अभी मिला था लॉरियल पैरिस, दिस इज़ अ रियली गुड सीरम, मैं इसको रेगुलरली यूज़ करती हूँ। फिर ये जो है मेरे हेयर स्टाइलिंग टूल्स, प्रोडक्ट्स, स्प्रेज और यू नो बहुत सारे सीरम्स है। ये वाला जो बास्केट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज यहाँ पे थोड़ा मुझे लंबा बास्केट चाहिए था बिकॉज ये सब नहीं आ रहे थे, तो मैंने इसको सारे कॉम्स, कलर्स सबको एक ही जगह पे मैंने ये स्टोर करके रखा हुआ है। सो दिस इज अगेन, आई डोंट नो व्हाई दिस इज हियर, बट अगेन सारे हेयर के प्रोडक्ट्स एक ही जगह पे हैं। सो गाइज, कमिंग टू दिस पर्टिकुलर वाइट बॉक्स ओवर हियर, ये मेरा फेवरेट बॉक्स है क्योंकि यहाँ पे सारे मॉइस्चराइजर्स, क्रीम्स और सब कुछ है जो मैं डेली यूज़ करती हूँ। आप देख सकते हैं एस्टे लॉडर, आई थिंक ये मैंने इंस्टाग्राम पे भी दिखाया हुआ है कि मैं अभी हाल ही में यूज़ कर रही थी, खाली हो चुका है बट आई स्टिल हैव द बॉक्स बिकॉज मेरे को वो है, यू नो, आई स्टोर बॉक्सेस, एम्प्टी बॉक्सेस एज वेल। डॉट एंड की, देन फेस शॉप और एक और जो मेरा फेवरेट है विच इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल इज द गार्नियर रिंकल लिफ्ट, ये भी मैं बहुत रेगुलरली यूज़ करती हूँ। आई हैव मोर प्रोडक्ट्स फ्रॉम लाइक नीमली, ये नीमली से है, अगेन वेरी वेरी नाइस प्रोडक्ट, होम ग्रोन, सो या। तो ये हो गए सारे यू नो मॉइस्चराइजर्स। तो ये एक छोटा सा बॉक्स है जो मैं सारे मैंने क्लिप्स रखे हुए हैं और ये यू नो स्पैचुलास है टू अप्लाई क्रीम्स एंड ऑल। और फिर हम चलते हैं इस वाले बॉक्स में, ये जो ट्रांसपेरेंट बॉक्स है इसमें मेरे सारे ट्रैवल साइज यू नो प्रोडक्ट्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं दिस वन इज़ मिनी प्रोडक्ट, देन दिस इज़ ऑल्सो मिनी प्रोडक्ट, ये भी एक मॉइस्चराइज़र है जो मिनी है जो मैं ट्रैवल में यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। दिस इज़ अगेन वन ऑफ माई फेवरेट नाइट क्रीम्स। देन दिस इज फ्रॉम यू एस, ओरिजिन्स का है ये, ओरिजिन्स मुझे बहुत पसंद है, यहाँ पर मिलता नहीं है, सो आई एम ईगरली वेटिंग कि कब नायका लॉन्च करे। नाउ कमिंग टू दिस ट्रे, और ये बॉक्स का एक्चुअली यू नो
ऊपर वाला हिस्सा है जिसको मैंने ट्रे बना दिया है। यहाँ पे सारे मेरे लिप प्रोडक्ट्स हैं और थोड़े से कॉटन पैड्स भी है जो मेकअप रिमूव करने के लिए काम आते हैं। सो यू विल सी यू नो फ्यू लिप बाम्स विच आई यूज़ ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये वाटर टिंट है, हैंडमेड लिप बाम्स ऑल्सो, एंड दिस इज़ माई सिंदूर। ये वाला जो बड़ा बॉक्स है इसमें सारे फाउंडेशन, सारे ऑयल्स जो है, जैसे कि रोज़ गोल्ड ऑयल हो गया, या तो फिर ये वाला जो इंडल्जियो का एक ऑयल मैंने लिया है, वो सारे ऑयल्स यहाँ पे है। और फाउंडेशंस तो भर भर के यहाँ पे, यू नो, सारे अच्छे ब्रांड्स के फाउंडेशंस मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो मेरे को जब जो अकॉर्डिंग टू द ओकेजन मन करता है मैं वो पहनती हूँ। और थोड़े बहुत ऑयल्स भी हैं, गुलाबरी, रोज़ वाटर एंड क्रीम्स। तो ये वाला जो बॉक्स है दैट इज़ स्पेसिफिकली फॉर माई यू नो मेकअप फाउंडेशंस का स्टफ। और ये जो लास्ट बॉक्स आप यहाँ पे देख रहे हैं विच इज़ अ वेरी डर्टी ब्यूटी ब्लेंडर, तो इसको मैं अभी क्लीन करूँगी, क्लीन नहीं है और इसलिए मैं दिखाना भी नहीं चाहती। तो यहाँ पे एक छोटू सा ब्यूटी ब्लेंडर भी है जिसको मैं यूज़ करती हूँ। तो ये दोनों जो ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं बहुत डर्टी है इस वक्त, अदरवाइज मैं हर हफ्ते इस बॉक्स को भी क्लियर करती हूँ, क्लीन करती हूँ और इसके साथ ब्यूटी ब्लेंडर्स को भी। तो ये हो गया फर्स्ट कंपार्टमेंट, मोस्टली स्किन केयर है सबके सब और हेयर केयर है थोड़ी बहुत उधर, और यहाँ पे फाउंडेशंस हैं। द मेकअप कंपार्टमेंट इज़ राइट बिलो दैट विच इज़ दिस वन। तो यहाँ पे भी मैंने, आप देख सकते हैं कि मैंने सब कुछ सेग्रीगेट किया हुआ है, ब्रशेज एक जगह पे, एक ऐसा एक यू नो ग्लास जार में मैंने सारे ब्रशेस रखे हैं। फिर उसके बगल में अगर आप देखें तो ये एक और कंपार्टमेंट है जहाँ पे मैंने सारे के सारे काजल्स, आईलाइनर्स, वाइट लाइनर्स, लिप लाइनर्स और थोड़े बहुत यू नो लिपस्टिक्स, जो स्टिक्स लिपस्टिक्स होते हैं वो भी यहाँ पे हैं। तो ये बॉक्स उसके लिए है। और ये जो पिंक कलर का बॉक्स आप यहाँ पे देख रहे हैं वो है सारे मस्कारास। तो यहाँ पे सारे मस्कारास मैंने एक साथ रखे हुए हैं। मैं बहुत ज़्यादा मस्कारा यूज़ करती हूँ बिकॉज अगर कुछ भी मेकअप ना पहनो तो मैं मस्कारा ज़रूर पहनती हूँ। तो इसीलिए दिस बॉक्स इज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू ऑल द मस्कारास। फिर हम आते हैं यहाँ पे, एक नया प्रोडक्ट है, यूजली यहाँ पे नहीं रहता है बट आई डोंट नो व्हाई इट इज़ हियर। ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट वाला, दिस इज़ फॉर फॉर मेनली फॉर लूज पाउडर्स। लूज पाउडर्स हैं, फिर यहाँ पे हाइलाइटर और ब्लश भी हैं। ब्लश, हाइलाइटर, कॉन्टोर, अगेन हाइलाइटर, देन व्हाट इज़ दिस, कॉम्पैक्ट पाउडर और मिरर भी एक छोटा सा। ये वाला जो आप बीच में देख रहे हो ये एक छोटा सा टूल किट टाइप्स है। यहाँ पे सारे आईलैश कलर और शॉर्पनर और सब कुछ है। ये वाला जो है मेरा फेवरेट है, जैसे फर्स्ट वाले में मेरा ये वाला फेवरेट था, ये वाले में ये बॉक्स फेवरेट है बिकॉज दिस हैज़ ऑल द आई शेडो पैलेट्स एंड आई लव आई शेडो पैलेट्स। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है आई शेडो पैलेट्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक्चुअली इतने ज़्यादा नहीं है बट फिर भी जितने भी हैं मेरे फेवरेट हैं। ये मैं US से लेके आई थी, कलर पॉप। नेक्स है, ओ दिस इज़ ब्लश, गलती से वहाँ चला गया। दिस इज़ अगेन कलर पॉप, हुडा ब्यूटी, माई मोस्ट एक्सपेंसिव बाय आई शेडो पैलेट। न्यूड्स मेरा फेवरेट। फिर और भी कुछ कुछ है प्रोडक्ट्स, स्पेसिफिकली ये वाला जो है आई थिंक दिस इज़ फ्रॉम इनग्लॉट एंड ये बहुत ही एक शिमरी शेड है। हाँ, दिस इज़ फ्रॉम इनग्लॉट। सो दिस आई गॉट लाइक 3 to 4 years बैक और आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट कितना बचा है। नाउ ये जो बीच में है एक बॉक्स, ये पिंस, हेयर पिंस और सेफ्टी पिंस है तो इसको हम यूजली टच नहीं करते। ये वाला जो बॉक्स है या कंपार्टमेंट है, दिस इज़ ऑल मास्क। तो मैंने सारे मास्क को एक साथ रख दिया है। चारकोल लिप मास्क भी है, लनेज डॉट इन की के बहुत सारे मास्क हैं मेरे पास, कमी नहीं है मेरे पास मास्क की, बहुत ज़्यादा स्पेंड करती हूँ। ये लनेज का वाटर स्लीपिंग मास्क है, बहुत ही अमेजिंग मास्क है। मोस्टली आप अगर इधर देखें तो सारे आपको वाइट ये डिब्बे वाले सब डॉट इन की के हैं, डॉट इन की। सो उप्स, डॉट इन की के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और ये सारे जो है चारकोल मास्क है या फिर कुछ कुछ मास्क है। नाउ दिस पर्टिकुलर बॉक्स ओवर हियर इज़
एंटायरली लिपस्टिक बॉक्स, ये सारे लिपस्टिक्स हैं, सब कुछ. मुझे पता कैसे चलता है बिकॉज अब मुझे आदत हो गई है, बट यूजुअली मेरे को पता है कि मैं कौन सा रेगुलर यूज़ करती हूँ. हाँ, थोड़े नेल पेंट्स भी हैं इधर विच आई डोंट यूज़ बिकॉज नेल सिचुएशन, ऐसा है नेल सिचुएशन, सो मैं यूज़ नहीं करती. बट हाँ, ये आई लाइनर भी इधर रखा हुआ है, तो एवरीथिंग दैट इज़ लिक्विड और यू नो लिपस्टिक के शेप का, तो आई स्टोर दैट इन दिस पर्टिकुलर बॉक्स. तो ये बॉक्स हो गया लिपस्टिक के स्पेसिफिक. सो दिस इज़ हाउ माई मेकअप बॉक्स और कंपार्टमेंट लुक्स लाइक. तो सारे मेरे मेकअप के प्रोडक्ट्स यहाँ पे, सारे मेरे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स यहाँ पे, और बीच में एक और ये शेल्फ है, यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत कपड़े रखे हुए हैं बिकॉज कपड़ों के लिए जगह नहीं होती है. कितना भी ले लो, कपड़ों के लिए जगह कमी पड़ती है लड़कियों के लिए. सो मेरे साथ भी वही है. ये जो ड्रॉर है, इसमें मेरा सारा स्टोरेज का सामान है. स्टोरेज इन द सेंस कि कुछ अगर मैं रीफिल करने के लिए लेके आई हूँ, या फिर मुझे कोई पीआर पैकेट आया है. और हाँ, ये वाला जो शीट मास्क है मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ताकि मैं बस यहाँ पे आऊँ और देखूँ और पिक करूँ, लगा लूँ. तो ये है सारा स्टोरेज का आइटम्स इधर. ये आप देख सकते हैं कि कितने सारे रेजर्स पड़े हुए हैं. दिस इज़ अगेन बैकअप के लिए, ताकि ख़त्म हो जाए तो दोबारा मैं यहाँ पे आके ले लेती हूँ. फिर सब कुछ जो मैंने कभी यूज़ नहीं किया वो इस पर्टिकुलर ड्रॉअर में जाते हैं. फिर यहाँ से निकल के इधर मेकअप और स्किन केयर अलग अलग कंपार्टमेंट्स में जाते हैं. सो दिस इज़ अ स्टोरेज बॉक्स. ये भी नया है, आई एम वेटिंग टू डू अ गिव अवे फॉर दिस, तो कमिंग सून. तो ये हो गया, और नीचे के मैं आपको दिखाऊंगी नहीं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सामान है उसमें. मेकअप स्किन केयर का कुछ ज़्यादा नहीं है, बट स्टोरेज का काफ़ी है. लाइक ये पर्टिकुलर बॉक्स में मेरे कलर्स और यू नो सारे के सारे हीट टूल्स है, हेयर टूल्स. तो शूट करते करते मुझे याद आया कि मुझे अभी ये पैकेट आया है एज अ पीआर फ्रॉम के ब्यूटी, और इसमें कुछ स्पेशल है जो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है. तो इसका जो रिव्यू है या फिर क्या है ये आप देख सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे. तो आप जल्दी से फॉलो करें. और ये जाएगा अभी कौन से ड्रॉर में, ये वाले ड्रॉर में विच इज़ माई स्टोरेज. तो यहाँ पे मैं रख दूँगी इसको, और अभी के लिए मैं बंद कर दूँगी ताकि जब करना हो मैं यहाँ से निकालूँगी एंड देन आई प्लेस इट समवेयर जहाँ पे ज़रूरत हो. तो ये था मेरा मेकअप वैनिटी. सो गाइज, दैट्स इट, दैट वॉज माई वैनिटी टूर. अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो. और आपको अगर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा लगा हो, या आपको उसका रिव्यू चाहिए या कुछ चाहिए, तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो. आई कम अप विथ मोर सच वीडियोज. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड लॉट्स ऑफ लव. बाय.